चलते टेम्पो में लगी आग, चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान। शनिवार देर रात एसडीएम कार्यालय के पीछे की ओर व्यास नदी किनारे सड़क मार्ग पर एक टेम्पो पूरी तरह जलकर राख हो गया। चलते टेम्पो में अचानक आग लगने से चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, जिसके कारण वह भी घायल हो गया। टेम्पो के मालिक दीपक सोंधी निवासी वार्ड नंबर 3 ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे जब वह किसी काम से टेम्पो लेकर पत्तल बाजार से गुरुद्वारा की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग पर जा रहा था, तो चौकी निकट उतराई पर अचानक टेम्पो में आग लग गई। हिमाचल कामगार की हत्या कर कमरे में दफनाया शव, बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बद्दी के जूड़ी कला में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक कामगार की हत्या कर शव अपने कमरे में दफना दिया। कमरे से बदबू आई तो स्थानीय लोगों ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेजा। शव के सड़ जाने के कारण उसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। आज से बदलेगा मौसम, बर्फबारी के असर। हिमाचल के कई क्षेत्रों में सोमवार को मौसम खराब बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू व चंबा और मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा में बारिश होने की संभावना है। 15 नवम्बर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। रविवार को विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद प्रदेश भर में धूप खिली। इससे पहले मतदान के दिन भी मौसम साफ रहा। मतदान करने में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।